कुख्यात गैंगस्टर और डॉन मुख्तार अंसारी को आज उनके पैतृक गांव में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मोहम्मदाबाद यूसुफपुर गांव में डॉन के घर फाटक में दफनाने की रस्में पूरी की गई। अंतिम विदाई देने से पहले नमाज पढ़ी, इसके बाद डॉन की शव यात्रा निकली, जो भारी हुजूम के बाद घर से आधा किलोमीटर दूर कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में पहुंची। कब्रिस्तान में रीति रिवाजों के साथ मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया। इस दौरान कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के सदस्यों को जाने दिया गया। कब्रिस्तान के बाहर मुख्तार अंसारी के समर्थकों का सैलाब उमड़ा, जो लगातार नारेबाजी करते रहे। गाजीपुर पुलिस ने नारेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की है। वीडियो से शिनाख्त करके नारेबाजी करने वाले लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। गाजीपुर के SP ओमबीर सिंह और DM आरेका अखौरी ने मीडिया के सामने बयान दिया कि इलाके में धारा 144 लागू की गई थी, बावजूद इसके मुख्तार अंसारी के हजारों समर्थक जुट गए। धारा 144 के नियम का उल्लंघन हुआ। भीड़ का कंट्रोल करने के लिए पुलिस जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों ने मुख्तार अंसारी के जनाजे को छूने की होड़ सी लग गई थी। मना करने के बावजूद लोगों ने खूब नारेबाजी की। वीडियोग्राफी करवाई गई है और इसमें जो लोग नारे लगाते दिखाई देंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार अंसारी के परिजनों ने भी लोगों से अपील की थी कि वो शांति बनाए रखें, पुलिस को उनका काम करने में सहयोग करें, लेकिन लोग नहीं माने। अब पुलिस अपना काम करेगी। नारेबाजी करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 19 साल से जेल में कैद मुख्तार अंसारी की गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। हालांकि उसके परिवार के स्लो पॉइजन मारने के आरोपों को मीडिया में खूब उछाला जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत होने की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर लेकर बेटा उमर अंसारी बांदा से गाजीपुर पहुंचा। यहां मुख्तार अंसारी के घर फाटक के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके बाद सुबह नमाज अदा करने के बाद मुख्तार अंसारी का जनाजा निकला, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। वहीं भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।